कुछ समय से महाराष्ट्र में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां नरेंद्र मोदी जी हैं, यहां फडणवीस जी हैं। और जब ये जीते थे इन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदुस्तान में 70 साल से कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे, जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए किया था उसका मजाक उड़ाते थे। जहां भी जाते थे कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए, सच्चाई आपके सामने है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था थी, है नहीं, थी। मनमोहन सिंह जी के समय, यूपीए के समय, आप किसी भी देश में जाते, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछते, भैया बताओ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में, बताओ हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बारे में बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति आपको बताता कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मुकाबला कर सकती है। आज की हालत आप जानते हो, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर कहती है जीएसटी तो कानून है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। मनरेगा भी कानून था, उसको आपने बदल दिया। भोजन का अधिकार भी कानून था, उसको आपने बदल दिया। आदिवासी बिल कानून था, उसको आप बदलने जा रहे हैं, मगर गब्बर सिंह टैक्स को आप बदल नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने कहा था, नोटबंदी करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खत्म करना है। और आप सब लाइन में खड़े थे, मुझे याद है, बैंक के सामने मुंबई के सब लोग, गरीब लोग, छोटे दुकानदार, मजदूर, बेरोजगार युवा, सब के सब लाइन में खड़े थे। मगर सूट बूट वाले करोड़पति उस लाइन में नहीं खड़े दिखाई दिए, याद होगा आपको। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, लिस्ट है, करोड़ों रुपए लेके भाग गए। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। भाइयों और बहनों, 5,50,000 करोड़ रुपए, 5,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों का नरेंद्र मोदी ने माफ किया है। छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, उनके बारे में कहा ये सब चोर हैं। इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्री खत्म हो गई। आज जाइए, पुणे जाइए, वहां पे किसी भी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में जाइए, पूछे क्या हो रहा है। मारुति फैक्ट्री को बंद करना पड़ा,
गुजरात जाइए, हीरे के इंडस्ट्री के बारे में पूछिए, क्लॉथ की इंडस्ट्री के बारे में पूछिए, मुंबई में पूछ लीजिए, धारावी जाके पूछ लीजिए, लेदर की इंडस्ट्री को क्या हुआ, एक आवाज से बोलेंगे नरेंद्र मोदी बीजेपी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। पूरे देश में युवा घूम रहा है, भाई और बहनों 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, और नरेंद्र मोदी चंद्रमा की बात करते हैं। फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, जरा बेरोजगारी के बारे में दो शब्द तो कह दीजिए, ये जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं इसके बारे में दो शब्द तो कह दीजिए, किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है, उसके बारे में कह दीजिए ना, इसके बारे में नहीं करेंगे बात। अच्छा, पीएमसी बैंक के बारे में कह दीजिए, भ्रष्टाचार की बात करनी है तो बताइए उस बैंक के डायरेक्टर कौन थे, किसके रिश्तेदार थे, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों को पैसा दिया गया, इसके बारे में भाषण दे दीजिए, मगर नहीं, पूरा का पूरा आइडिया है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा छीनकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दिया जाए और हिंदुस्तान की जनता का जो ध्यान है कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। तरीका है मेड इन इंडिया, कहा था 2014 में, कहा था मेड इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया। कुछ दिन पहले चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठे थे, चाय पी रहे थे, जहां देखो मेड इन चाइना, सब दरवाजे खोल दिए, आपको कहते हैं मेड इन इंडिया। मारुति फैक्ट्री बंद पड़ी है, हिंदुस्तान के करोड़ युवा बेरोजगार हैं, उधर चाइना के राष्ट्रपति के साथ चाय पी जा रही है, मेड इन चाइना चल रहा है, और नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बोलते हैं, और जो हिंदुस्तान की शक्ति थी, स्ट्रेंथ थी, उसको खत्म कर दिया है। अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखिए, अभी शुरुआत हुई है, अभी 6-7 महीने और देखिए क्या होता है हिंदुस्तान में। युवाओं को भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसान को दर्द हो रहा है, युवाओं को दर्द हो रहा है, बुजुर्गों को दर्द हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी कभी कॉर्बेट पार्क जाते हैं, कभी चांद की बात करेंगे, मगर जो देश के सामने समस्या है उसके बारे में नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कोई है जिसका जीएसटी से फायदा हुआ हो? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो हाथ उठा के कह दे कि हां जीएसटी से मेरा फायदा हुआ है? एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। पूरा का पूरा आपका पैसा छीन कर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बड़े से बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है, यह सच्चाई है। जो स्ट्रेंथ थी हिंदुस्तान की, जो कांग्रेस पार्टी ने आस्ते 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 बनाई थी, मनमोहन सिंह जी आस्ते 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 किया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत होती थी। हां, आज आप जाइए, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई हिंदुस्तान में पैसा नहीं डालना चाहता,
और जो लोकल बिजनेस वाले हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। और जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं, कहीं जात की बात कर देंगे, कहीं धर्म की बात कर देंगे, कहीं प्रदेश की बात कर देंगे। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान को बांटते थे वैसे ही बीजेपी के लोग हिंदुस्तान को बांटते हैं। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान से पैसा चोरी करते थे वैसे ही बीजेपी गरीबों से पैसा चोरी करके अमीरों के हाथ करती है। और आप सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, गरीबों को खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो आपके साथ अन्याय हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो जो आपके पास अभी है वो भी गायब हो जाएगा। और आप देखना, मेरी बात सुन लो, आप अच्छी तरह याद रखना, आप देखना जो हालत आज है बेरोजगारी की, नेशनल लेवल पे जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कुछ ही दिन पहले 1,25,000 करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स माफ कर दिया। मैं पूछता हूं गरीबों का कितना पैसा माफ किया, जो ये छोटी दुकानें चलाते हैं इनका कितना पैसा माफ किया, हां। और वो आप देखो, देखिए पूरा देश जानता है कि राफेल मामले में चोरी हुई है, पूरा देश जानता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने साफ लिखा था प्रधानमंत्री राफेल मामले में इंटरफेयर कर रहा है, साफ लिखा था। पूरा देश जानता है, तो थोड़ी सी गिल्ट है, राफेल नाम चुपता है। इसलिए राजनाथ सिंह जी फ्रांस गए, चुपता है थोड़ा कि हां भैया यहां चोरी की है। कभी आपने देखा है डिफेंस मिनिस्टर जाता है फ्रांस, जाता है धूमधाम राफेल हवाई जहाज को लेने के लिए जाता, कभी सुना आपने पहले, कभी हुआ है ना? क्योंकि चुप रहा है, हमने चोरी की है, गिल्ट है तो करना पड़ रहा है। मगर सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता, ना नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना बीजेपी के लोग, सच्चाई पकड़ेगी इनको। मगर देश के सामने आज बड़ी, बहुत बड़ी मुश्किल है और मुझे बहुत दुख होता है। रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी दुकानें खत्म बंद हो रही हैं एक के बाद एक, दिन भर आप लोग जाके हर महीने जीएसटी फॉर्म भरो, पता लगता है टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा। आप हर महीने फॉर्म भर रहे हो और सरकार कह रही है कि भैया हमारा तो टैक्स का पैसा ही पूरा नहीं हो रहा है। मैं गुजरात गया, केस लगा रखे मेरे ऊपर, मैं कल गुजरात, 2-3 दिन पहले गुजरात गया, वहां पे क्लॉथ मर्चेंट, डायमंड मर्चेंट कहते हैं कि राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी ने इंस्पेक्टर राज करा दिया है, 24 घंटे पुलिस वाले, इंस्पेक्टर, टैक्स वाले हमारे पास आते हैं, रिश्वत मांगते हैं, तंग करते हैं, हमारी तो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई है। मैं जानता हूं यही काम मुंबई में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, जो भी छोटा धंधा चलाता है तंग करने के लिए टैक्स वाले, पुलिस वाले, इनकम टैक्स वाले आते हैं, रिश्वत मांगते हैं। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है और इसे बदलना है।
और इसे इसे सिर्फ भैया सुन लो, इसे कोई अमीर वाला नहीं बदलने वाला है, उनका तो फायदा हो रहा है। इसे सिर्फ हिंदुस्तान का गरीब बेरोजगार युवा, किसान, छोटा दुकानदार, यही लोग बदल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बदल सकती है। तो इस चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए, और हमें आपके लिए काम करना शुरू करना दीजिए। आप सब यहां आए, दिल से आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।